और आज के दिन जब तुम दुरूद-ए-पाक पढ़ते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया कि वो दुरूद तुम्हारा पढ़ा हुआ दुख तक पहुंचाया जाता है। यानी जो बंदा आज के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेगा तो फरिश्ते वैसे ही वो दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देंगे। अब एक और हदीस है जिसमें इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुमे का दिन कितना मुबारक दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे का दिन वो दिन है जिस दिन सैयदना आदम अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया और ये जुमे का दिन ही है जिस दिन अल्लाह तआला ने हजरत आदम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजा और ये जुमे का दिन ही था जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहि सलाम को मौत दी। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुमे वाला दिन कितना अहम है। एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत का दिन भी जुमे का दिन ही होगा। यानी जुमे वाले दिन की कयामत करवा होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कायनात की हर चीज यानी कायनात की हर चीज मगरब और मशरिक फरिश्ते आसमान जमीन हवाएं पहाड़ समंदर सारे ही घबराते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन कयामत है बर्पा होगी। तो इसी तरह इब्रानी मजमुआए अल-कबायर में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए कि जो जुमे का दिन है वो ईद का दिन है। आज का जो दिन है मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन मुसलमान को चाहिए कि वो गुस्ल करे मिसवाक करे और फिर मस्जिद में आए। एक और हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हफ्ते के जो सात दिन हैं इनमें से जो छह दिन हैं उनमें जहन्नम की आग को दहकाया जाता है भड़काया जाता है लेकिन जुमे की फजीलत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को जुमे वाले दिन भड़काने का हुक्म नहीं देता है। आम दिनों में इसको भड़काया जाता है जहन्नम को दोजख को लेकिन जुमे वाले दिन इसको भड़काया नहीं जाता है। एक और हदीस है ये बड़ी हयाली हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा ए मोमिन एक नमाज पढ़ता है तो जब कोई दूसरी नमाज पढ़ता है तो इनके दरमियान एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है कोई सगीर गुनाह छोटा गुनाह उससे सरजद हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है। इसलिए बार बार इरशाद है कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। उसकी क्या वजह है कि बंदा मोमिन से इसी तरह जुमे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन एक जुमा पढ़ता है तो उसका जो पिछला जुमा होता है पिछला जुमा और वो जो अगला जुमा पढ़ रहा होता है उनके दरमियान अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका वो सगीर गुनाह भी माफ फरमा देता है। तो इस बात से हमें जुमे की अहमियत का अंदाजा हो जाता है कि जुमा कितना बाबरकत दिन है कि जिसने पिछला जुमा पढ़ा था और जिसने आज जुमा पढ़ा है उसके दरमियान अगर कोई उससे गुनाह हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब एक बंदा एक रमजान पाता है जैसे हमने ये वाला रमजान पाया और एक रमजान जो उसने पीछे पाया और दोनों रमजानों के दरमियान अगर उससे खुदा ना खासा कोई छोटा गुनाह सगीर गुनाह हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे वो गुनाह माफ फरमा देगा। यानी ये रमजान और पिछला रमजान इन रमजानों के दरमियान अगर कोई गुनाह सरजद हो
जान बूझ कर